तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी मिली करेज द कावली डॉग से रिलेटेड। तो ये थ्योरी ये कहती है कि करेज वो जितने भी मॉन्स्टर्स दिखते हैं उसके वर्ल्ड में वो सभी एक नॉर्मल पर्सन है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। करेज एकदम सुनसान इलाके में रहता है अपने दो बूढ़े ओनर्स यूस्टेज और म्यूरियल के साथ। जितने भी उसमें कैरेक्टर्स आते हैं वो एक्चुअली में एक मॉन्स्टर्स होते हैं, राइट? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो जो पेट डॉग्स होते हैं वो भी किसी भी डोर टू डोर सेल्समैन हो या किसी अनफेमिलियर नेबर हो या कोई जानवर हो जो आपके डोर पे आ जाए वो उसको भी एज अ मॉन्स्टर ही देखते हैं। और ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशन कितनी भी ज्यादा बेकार हो न्यूरियल और यूस्टेस हमेशा बच जाते हैं क्योंकि उनका पाला कभी मॉन्स्टर से पड़ता ही नहीं, वो तो बस करेज के नजरिए में ही मॉन्स्टर्स रहते हैं। और इसीलिए हमेशा यूस्टेस उसको स्टूपिड डॉग बोला करता है, हमेशा उसको टॉर्मेंट किया करता है जो कि हम करते हैं, हम अपने डॉग को ट्रोल करते हैं अगर वो किसी अनफेमिलियर पर्सन के सामने रिएक्ट करता है आवाजें निकालते हैं क्योंकि उसको तो लगता है वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है पर हमें पता है कि सामने वाले से हमें हार्म नहीं है।